वेलकम टू जायका ए दिल्ली। टुडे वी आर गोइंग टू मेक मटन कोरमा। आज हम मटन कोरमा बनाएंगे। ये देखिए, हमने 1 किलो मटन लिया, उसके अंदर 400 ग्राम दही और 3 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमें मिक्स करना है। और उसके साथ हम लेंगे 4 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। अब ये सारे मसाले, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट को ये सब हम अच्छे से मटन के साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 6 छोटे चम्मच हमने ऑयल लिया है, और 3 छोटी इलायची और 4 लौंग हमने ये भी इसी के अंदर डाल दिए हैं। इसको कवर करके इसमें सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम खोल देंगे। और अब हम इतने अच्छे से अनियन को कट करके ग्रेट कर लेना है, देन विल फ्राई देम। अभी हमारा मटन रेडी हो रहा है, सिर्फ हमें एक ही विसल तक, सिर्फ 1 सीटी तक हमें पकाना है। उसके बाद जो दही, पानी, छोड़ी की लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसको अच्छे से भुनेंगे लीड हटाकर। सिर्फ इसलिए हमने एक ही सीटी देनी है, वरना फिर गोश्त हमारा गल जाएगा अगर हमने ज़्यादा सीटी दे दी तो। ये देखिए, अनियन हमारी कट चुकी है। अब इसको हाथ से अच्छे से हम अलग कर लेंगे, और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है हाई फ्लेम पर, और सारी प्याज ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, इतने हमारी प्याज फ्राई हो रही है, साथ साथ हमने अपना मटन चढ़ाया हुआ है। एक विसल आ चुकी है हाई फ्लेम पर। अब हम इसकी स्टीम निकाल कर इसको अच्छे से भूनेंगे। हम इसका गर्म मसाला रेडी कर लेते हैं। 3 हमें बड़ी इलायची चाहिए, 1 छोटा पीस हमें सिनेमन स्टिक, 1 जावित्री, छोटा सा जायफल, 6 लौंग, 4 छोटी इलायची और 1/2 स्पून जीरा, और 8 से 10 हम काली मिर्च ले लेंगे। इन सबको हमें अच्छे से कूट कर पाउडर बना लेना है। ये देखिए, अपने मटन में कितना पानी है। देखिए, दही ने पानी छोड़ दिया है काफ़ी सारा, हमें सारा पानी हमें सोख करना है। हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे अच्छे से। इतने हमारी प्याज फ्राई हो रही है। सबसे पहले हम बड़ी इलायची लेंगे और इसकी आउटर लेयर हटा देंगे। ये देखिए, हमें सिर्फ इसके सीड्स चाहिए, अंदर के बीज चाहिए, ऊपर का छिलका हम हटा कर फेंक देंगे। देखिए, अब छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री और दालचीनी, इनको अच्छे से पाउडर बनाना है हमें, और ये एक्सेस इसका निकाल कर यूज़ में हमें नहीं लेना। इसी टाइम जब हमारा भुन रहा होगा उस टाइम हम इसको ऐड करेंगे। और प्याज अपनी फ्राई हो चुकी है, उसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसी के साथ दही भी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम अपने मटन में डालेंगे, और फिर ये मसाले को डलते ही थिक करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, थिकनेस इसकी स्टार्ट हो गई, गाढ़ा गाढ़ा हो गया हमारा मसाला। अब सिर्फ हमें 10 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पर। जो हमने गर्म मसाले और प्याज डाली है वो अच्छे से मटन के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो इसलिए हम 10 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमारी थिकनेस हो चुकी है। आप चाहें तो इस टाइम 1 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो। देखिए, अब हमारा ये रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है, आप कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। मस्ट ट्राई दिस मटन कोरमा रेसिपी, यू वुड लव टू ईट। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें हमारी रेसिपी से बनाकर, आपको ज़रूर पसंद आएगा। If you like the recipe, hit the like button. Thank you so much.